किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे गहलोत सरकार, 2 अगस्त को बिल लाने की तैयारी, जाने क्या है कर्ज राहत आयोग। राजस्थान चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार किसानों को लेकर बड़ा दाव खेलने जा रही है। राजस्थान सरकार आगामी मानसून सत्र में कर्ज राहत आयोग बिल 2 अगस्त को विधानसभा में पेश कर सकती है। राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों के लिए कर्ज राहत आयोग बिल लाने की तैयारी कर ली है। इस बिल को गहलोत सरकार 2 अगस्त को विधानसभा में पेश कर पारित करवाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बिल पारित होते ही किसान कर्ज राहत आयोग बनाने का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या है कर्ज राहत आयोग। राजस्थान में लाखों किसानों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी। कर्ज राहत आयोग किसानों को फसल खराब होने की स्थिति, कर्ज वसूली माफ, संकट ग्रस्त किसान का दर्जा, बैंक सीधे सीधे दबाव नहीं बना सकता, कर्ज राहत आयोग की दखल है। किसी भी हालत में अब किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी, जिसमें कर्ज माफी, रीशेड्यूल और ब्याज कम के लिए नियम और कानून है। राजस्थान में डेप्ट रिलीफ कमीशन के लागू होने से सभी किसानों के मामले सिविल नियमों के तरह ही निपटाए जाएंगे। किसानों का लोन ऋण माफी भुगतान, रीशेड्यूल ब्याज कम से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा। बता दें कि अपने आखिरी बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को दिल खोलकर सौगातें दी थी, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे थे। प्रदेश के 11 लाख किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा, मुफ्त बीज वितरण, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना बिल जैसी कल्याणकारी योजना लागू किया। अशोक गहलोत ने कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि कोई भी देश कृषि के बिना प्रगति नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता में आते ही फसल ऋण माफी का आदेश जारी किया था। सरकार ने दिसंबर 2022 में दावा किया था कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बीते 4 साल में 22 लाख किसानों के कर्ज माफ किए हैं। पूरे देश में एक साथ किसानों का कर्जा माफ हो, गहलोत। राजस्थान में किसानों के खातों में सरकार की तरफ से हर माह 1,000 रुपये जमा भी कराए जाते हैं। सीएम गहलोत ने कई बार केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि वो पहल करके पूरे देश में एक साथ किसानों का कर्जा माफ करें। इस विषय में सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख चुके हैं। बता दें कि साल 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में राहुल गांधी ने कर्ज माफी का वादा किया था। इसे कांग्रेस सरकार की जीत का सबसे बड़ा कारण माना गया था। ऐसे में गहलोत सरकार चुनाव से पहले कर्ज माफी के वादे को पूरा करने के लिए 2 अगस्त को विधानसभा में बिल पेश कर पारित कराने की पूरी कोशिश करेगी। धन्यवाद।